राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने धरने के दूसरे दिन सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि आज से सचिवालय के बाहर वो धरने पर बैठ रहे हैं और अगर मांगे ना मानी गई तो ये धरना आमरण अनशन में बदल जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के हिमाचल प्रदेश के सचिव मुकेश कुमार का कहना है कि सरकार ने बैकलॉग से भर्तियों का फैसला लिया है, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण है। सरकार को रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार देना चाहिए और जिनकी आयु 35 वर्ष हो गई है और वो गरीब और असहाय हैं उन्हें रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र पूर्व भाजपा सरकार ने 60 से 58 कर दी थी, जबकि पूर्व वीरभद्र सरकार में इसे बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि इसे फिर से 60 वर्ष किया जाए। 3 अप्रैल को हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप से हम मुख्य सचिव की बात और अन्य डिपार्टमेंट की सचिवों की बात करवाएंगे, परंतु अभी जो कैबिनेट जो हुई थी उसमें जो हमारा बैकलॉग था उसको भरने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, पर उसमें कुछ त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों के कारण जो हम चाहते हैं कि एक तो जैसे 2008 में भर्ती मेला लगा था उस तर्ज पर सोशल वेलफेयर डायरेक्टर उसके चेयरमैन होकर बने और भर्ती मेले में सभी को इकट्ठा ही नौकरी दी जाए। 35 साल से जो ज़्यादा अधिक के जो ब्लाइंड हैं उनको एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी, उसमें कहा था कि जो 35 साल से ऊपर के लोगों उनको शिक्षा में छूट दी जाएगी, वो भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रही है। और जो हमारे रोजगार साथी हैं उनकी एक डिमांड है कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि दृष्टिबाधित जो एम्प्लाइज हैं उनको उनकी उम्र रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की जाएगी, और 2019 में जयराम सरकार ने उसको वापस ले लिया और फिर से उसको 58 साल कर दिया। तो हमारी डिमांड है कि जो 60 साल की जो रिटायरमेंट एज की थी उसको फिर से दोबारा से लागू किया जाए। कितने लोग हैं अभी जो बेरोजगार हैं? हमारे पास 60-70 लोग बेरोजगार हैं। अब क्या है, अगर आज सचिवालय घेराव करने पहुंचे तो आगे क्या रहेगा, आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, अनिश्चित लोग हमारे जो बेरोजगार साथी है वो अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी चलेगा, हमारा डिमांड जो तो पूरी नहीं हुई। सचिवालय के बाहर ही बैठेंगे, कहीं रोज सचिवालय के पास आएंगे वो।